तुमसे सच में प्यार करता है। चैनल और गाइस, मैं आज सोच ही रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तभी मुझे निश्ने बताया कि बहुत दिन से इसने मेरे लिए कोई चैलेंज सोचा हुआ है। तो मुझे लगा यार मेरे लिए क्या ही सोच लेगी, मेरे लिए क्या ही मुश्किल है, वो भी निशु का सोचा हुआ, मुझे मुश्किल कैसे पड़ सकता है। पहली बात तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि इसे लगता है मैं कुछ सोच के आऊंगी यार, तो वो तो बेकार ही होगा, हल्का फुल्का ही होगा। तैयार हो? तैयार हूँ। तूने ये जो सेटअप लगाया, कुर्सी बैठाया, तो हल्का ही कुछ हो रहा होगा। यहाँ ऐसा तो नहीं कि मैं कुएं में कूदवाएगी कुर्सी बैठूंगी। तो गाइस आज हम करने वाले हैं ट्रुथ और वैक्स छोटे मोटे लोगों के इंटरव्यू शुरू करो। यार मेरे को बड़ा काउच लगवाना था, सेम काउच लगवा दिया एक तो। औकात मेरे। आपका निकनेम क्या है? निकनेम वैसे तो मेरा कुछ है नहीं, मोस्टली लोग मुझे महक बुलाते हैं। घर में एक नाम था जिससे मुझे स्कूल में बहुत चिढ़ाया जाता था, मैंने तो एक बार बताया था, और उसी चीज का तो आज हम फायदा उठा रहे हैं। मैंने बोला था यार, इधर बोल बोलेंगे कमेंट में, मुझे कमेंट भर जाएंगे। बताओ आपका निकनेम क्या है? मुझे मेरे दोस्त स्कूल में मंकी के चिढ़ाते थे। दूसरे वाला भी बताना। दूसरे वाला तो मकड़ा भी बोलते थे मेरे भाई वगैरह मुझे बड़े। ये सब जलालत के लिए वीडियो बना रही है मेरी। ये शुरुआत है अभी, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अगर मुझे नहीं देना जवाब तो इस सवाल का, तो वैक्स होगा ना। अच्छा ये है गेम। तेरा साबुन स्लो है क्या? Who is your favorite YouTuber? ये फंस गया। तो ये तो सवाल देखो मुश्किल तो है। यूट्यूबर तू भी है और तू मेरी वीडियो में आती है, तो अगर तेरा नाम लिया तो खुद से झूठ होगा, और अगर किसी और का नाम लिया तो रिस्क बहुत बड़ा है। बट जैसा कि मैंने वादा कराया गाइस सबसे, बोलूंगा मैं सच। अगर मेरा नाम नहीं आया तो फिर कोलैबोरेशन मत। ये क्या बात है, तो फिर मैं झूठ बोल दूंगा। झूठ नहीं बोलना ना, सच बोलना। तो गाइस असमंजस बहुत ज्यादा है, बट मैंने आपसे वादा किया था सच बोलना है। तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर अंकुर वारी को अपना अगली वीडियो अकेले से बनाइए। मेरा फूल तो निकल गई, क्या बताऊं? अंकुर वाली मुझसे बात करनी पड़ेगी। बोले तू भी अच्छी लगती है। क्या तू कभी किसी लड़की के लिए रोया है? तो इस सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं जवाब दूंगा फिर नाम पूछे जाएंगे, यहाँ बहुत ज्यादा रायता फैलेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं ना ही चूज करूँ। आप वैक्स कराना चाह रहे हो? बिल्कुल जी, वैक्स थोड़ा आसान लग रहा है मुझे इस जवाब को देने से। भाई इधर इस पे करवा सकते हैं? यहाँ बाल है। तो तू चूज कर भाई, कहाँ करनी है? आती ना करनी वैक्स? अपनी भी कर कभी कभी। टूटा हुआ साज हूँ मैं। कम बोल ला कर तू। खुद तो मुँह चाहिए निकालती अपनी या दूसरों के हाथ में? अब दे। अरे यार मेरे तो फोन चल रहे हैं, इससे बड़े तो सवाल का जवाब दे देना। नहीं यार प्लीज, मुझे अंदर से बताने दे मोशन। ते तीन पे कर दियो। 3 2 1 गो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ मैया मेरे यार, बिना बालों के हाथ कैसे लड़कियों जैसे लगेंगे यार। क्या तूने कभी भी नाक में उंगली डाल के फिर उसे टेस्ट किया है? यानी सवाल से सवाल होता है ये, कैसे सवाल लिखे मैंने? ये ऐसे ऐसे मेरे जैसे सवाल है। इसका इंटरव्यू लेते तो ऐसे सवाल लिखते हैं बे साले। इसे गलतफहमी हो गई, मैं इसका इंटरव्यू ले रही हूं। भाई किसने नहीं करा ये काम, बताओ मुझे, तूने नहीं करा क्या? मैंने बचपन में कराया, मतलब समझदारी नहीं थी इतनी मुझको, ऐसा लगता था पता है। मैंने जिस अब तो बता ही सकता हूँ एक्सपीरियंस है, एक वो नहीं आता दुकान पे से, वो आता है पापड़ से आते हैं वो क्या होता है वो, अरे कहना क्या चाहते हो, आम पापड़ जैसा लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। कमेंट करके ना गंदा बोलो। अरे भाई एक तो बता दिया तुम लोगों को, लिखो हैशटैग गंदा मयंक। अब तुम लोगों को रिस्क लेने की जरूरत है टेस्ट करने की। गाइस मैंने बता दिया, अगर कभी क्यूरियोसिटी हो नाक का मस्सा खाने की तो आम पापड़ खा लेना, वो ज्यादा बेटर चॉइस है, टेस्ट सेम है। इस चैलेंज का अब तक का सबसे बड़ा सवाल है, क्या तू मुझसे सच में प्यार करता है? सच में का क्या मतलब होता है? तू कहता है ना कि तू मुझे पसंद करती हो, तो क्या तू मुझसे सच में प्यार करता है? वैक्स की स्ट्रिप निकालना। इस सवाल का मैं बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहता, बिल्कुल मुझे इस बात सवाल को मुझे बिल्कुल इग्नोर कर देना, ऐसे जैसे सलमान भाई ऐश्वर्या को इग्नोर करते हैं। मुंह में करूंगी, मुंह में नहीं यार।
पैर दिखा चल इधर करना नहीं भाई पूरा हो जाएगा ना अरे बस कर भाई पूरा चिपका देना भैया पैर पे मेरे बहुत लंबे बाल हैं आज तक पैर पे तो मैक्स कराई ये भाई 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 ये करना पड़ता है ऐसे अरे कर यार क्या पकड़ रखा उसको ये क्या हो गया भाई ये के सफेद सफेद क्या हो गया व्यापार का मांस तो नहीं उड़ गया क्या आपने कभी कोई चीज चुराई है कोई चीज चुराई है हाँ, चोरी करी है कभी जवाब तो गाइस सच बताना है तो मैंने कोई चीज चुराई है हाँ पर उसको पता नहीं है जिसकी चुराई थी तो आप बताओ पता चल रहा है क्या चुराया है फैमिली से रिलेटेड है समझा गया बताओ नहीं बता सकता फैमिली में किसी को कोई सामान चुराया था है? फोन मैं तीसरी क्लास में था तो मेरी बुआ जी के पास एक फोन था नोकिया का वो बुआ जी को पता चल जाएगा बुआ जी भी देखती है आपको ऐसा नहीं पता चलेगा तो मैंने उनका फोन चुराया उसमें 15 रुपए का इंटरनेट डलवाया और फिर अपना काम करा कुछ जो इम्पोर्टेंट था मैं अगले दिन क्या करा फोन स्कूल ले गया और एग्जाम वाले दिन क्या होता है कि तुम्हें अपनी पन्नी होती थी मतलब बैग में जाने देते ना एग्जाम में पन्नी मैंने स्कूल के उसके बाहर रख दी कमरे के बाहर अपने और एग्जाम लिखने लगा मेरी नजर थी पूरे टाइम पन्नी पे गया पन्नी ना ले जाए मैं टेंशन बढ़ी थी उस दिन तो जब निकला तो पन्नी वहीं थी उसमें फोन नहीं था किसी ने मुझसे भी चुरा लिया मतलब चोर के घर से चोरी हो गई फिर वो फोन बहुत ढूंढा घर वालों ने तो सीधा कर दिया हमने अगले दिन सब मैं भी ढूंढवा रहा हूँ पूरी लगन से मैं कहाँ गया फोन हमारे घर से फोन कैसे चोरी हो सकता है सब पे इल्जाम लगे फिर कोई हाथ नहीं आया अब मैं हाथ आ गया कोई ना बुआ जी घर आएगा तो लतवासना इसे कट कर देना प्लीज इसे तुझे मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है क्या इसका जवाब दे अगला सवाल पे चले अगले सवाल पे नहीं जाना सवाल का जवाब दे अच्छा देखो हमें लगता है कि इसका जो है YouTube पे इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्या लालची मेरे को मेरा व्यक्तित्व में बता मुझे इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और अगर ये वीडियो में आती है तो मेरे व्यूज ठीक ठाक आते हैं तो ये बात मुझे तेरी बहुत अच्छी लगती है तो गाइस निशु में मुझे जो सबसे खराब लगता है ये बता अच्छा क्या लगता है तो ये सवाल बेकार है एकदम बेकार है अरे आप स्किप करने को बोला था स्किप करने के लिए नहीं है ट्रूथ या वेक्स चैलेंज का नाम नहीं पता क्या इसके ऊपर वापस कर दे ये ढंग से हो नहीं पाया था पिछली बार मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ फूटी उठा ले उठा दी फूटी इधर से पेट ऊपर से पेट में बहुत तेल है तो क्या हो गया पेट देखना चाहती हूँ हाँ पेट देखना चाहती हूँ क्यों जल्दी उठा पेट में मेरा भी ऐप्स आया नहीं है अरे जल्दी उठा यार सच में पेट बोल रहा हूँ हाँ सच में ऑफ कैमरा बोल रहा हूँ चल चल मैं तो बोल दे कैमरा नहीं हाँ ऐसा मैं वीडियो में दिखाऊँ चलो चलो इधर आओ इधर ऊपर लगे ना हाँ हाँ यहाँ नीचे यहाँ आता है गाइस पेट में पट्टी पेट में पट्टी करा रही जनता ने पूछा है ये जनता कुछ नहीं पूछ जनता पूछ रही है देखो अभी हामी करेगी द नेशन वांट्स टू नो आप यूट्यूब से हर महीने कितना कमाते हो यार हर यूट्यूबर ये बात छुपाता है बट मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो बात छुपाए सच बोलती के लिए बता देता हूँ कि हर मैं यूट्यूब से महीने का 400-450 डॉलर करीब ये मैं यहाँ वो बातें नहीं है कि मम्मी बता रहे एक फोन खरीद सकूँ लसन तो भाई 30-35 हज़ार रुपए आते हैं मस्त जिनमें 20-15 हज़ार रुपए उड़ जाते हैं डीजल में और 10-15 हज़ार रुपए उड़ जाते हैं निशु को मेंटेन करने में मुझे मेंटेन करने में तेरा घर जाएगा इसमें अगर तेरे को यूट्यूब और मुझ में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो किस चीज को चुनेगा दोस्त है मेरा जगह चुन काम एक करेगी दोनों कनेक्टेड चीजें हैं बहुत ज्यादा तो साइलेंट रहने में बहुत ज्यादा बेनिफिट लग रहा है गाइस अगर इस वीडियो पे 80,000 लाइक करवा दोगे तो पार्ट टू बनेगा और जरूर बनेगा मत करो लाइक यार करो पहली बार कोई वीडियो है जिसमें बोल रहा हूँ ये सवाल देख रहे हो सवाल लाइक नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत बहुत सारे सवाल बाकी है प्लीज करा लाइक गाइस अगर नहीं भी करोगे इस वीडियो को तो कोई दिक्कत बात नहीं आप कमेंट कर दो डिसलाइक कर दो लाइक रहने दो देखो डर रहा है अब करा दो अरे तुम सब टीवी में देखो वीडियो लाइक कर ही ना पाओगे जय श्री राम गाइस हर हर महादेव एक बार में खींचो तू बहुत गंदी वैक्स करती है जिंदगी में ना जाऊं तुझसे
कमेंट करो वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहता।